ऐसे ही कैकेयी का भी है। कैकेयी आप समझते हो बहुत बुरा बुरी और रानी थी और इतना स्वार्थी थी, और श्री राम को इन्होंने इस तरह से वनवास भेज दिया अपने स्वार्थ के लिए ना। कौशल्या कहती है, श्री राम जब आते हैं कौशल्या के पास आज्ञा लेने के लिए, माँ आपकी आज्ञा है मैं जा रहा हूं जंगल, तब कौशल्या की आंखों में आंसू आता। तो वो कहती है, यदि तुम्हारे पिता ने तुमको वनवास दिए हैं तो मैं रानी हूं, मेरे पास ज्यादा अधिकार है, मैं तुमको राज्य सौंप सकता हूं, उसको मैं काट सकता हूं, उसको मैं काट सकती हूं। यदि तुम्हारे पिताजी तुमको वनवास दिए हैं तो मैं यहां के पट्ट रानी हूं। उन दिनों में रानियों को ज्यादा अधिकार था, वीटो पावर था। राजा कुछ कह दे, मगर महारानी कह दे कि नहीं ये नहीं होता तो राजा को चुप होना पड़ता, महाराजा चक्रवर्ती को भी चुप होना पड़ता था। तो कहती मेरे पास अधिकार है, मैं महारानी हूं, पट्ट रानी हूं, मैं तुमको राज्य दे सकती हूं, पिता की बात को मैं उल्लंघन कर सकती हूं। मगर यदि मां कैकेयी तुमको दी है तो जरूर तुम जंगल चले जाना। तो उनको पता है कैकेयी को राम अति प्रिय थे, अब उन्होंने दिया तो वो कहते थे बड़ू बहुत तुम्हारे भलाई के लिए किया उसने, तो तुम चले जाओ। तो कैकेयी नहीं जानती थी क्या कैकेयी को राम माने प्राण था। अपने बेटे से भी गाली सुनना पड़ा कैकेयी को, दुनिया की गाली लेकर उन्होंने श्री राम को वनवास भेजा। अब मान लो रामायण से वनवास का भाग सब निकाल देना तो क्या बचा? कोई एक राजा थे और आराम से राजभार करते थे, जीते और मर गए, ना सीता का हरण हुआ, ना रावण का वध हुआ, ना हनुमान जी मिले, कुछ कुछ भी नहीं हुआ, हरकत ही नहीं हुआ, फिर रामायण ही नहीं। इसलिए रामायण में सबसे बड़ा जो पात्र था, पात्र है, वो कैकेयी की है, ठीक है ना।